हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह भाग अपना तीन है, सामान्य ज्ञान का पार्ट तीन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सा बता दें आपके लिए अनएकेडमी के बारे में। अनएकेडमी लेकर आया है यहाँ पर आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आप एमपीपीएससी एंड व्यापम संबंध कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अनएकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फ्री प्लान उपलब्ध हैं, प्लस आपका सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री प्लान में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है, प्री टेस्ट सीरीज में आपके लिए यहाँ पर बता दें एमपी जो है एमपीपीएससी प्री के लिए चैंपियनशिप है 2020 के लिए। यहाँ पर अटेंड करें, प्री मॉक टेस्ट है और इसका एनालिसिस बताया जाता है नेक्स्ट डे। एमपी के टॉप एजुकेटर यहाँ पर उपलब्ध हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि तीन टॉप तीन रैंकर्स जो रहते हैं, टॉप थ्री विनर्स रहते हैं, उनके लिए एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है अनएकेडमी के द्वारा। तो ये जो है यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट देखिए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है यहाँ पर आपके लिए डेट दी गई है। ये डेट याद रखिए, यहाँ पर टॉप थ्री विनर्स के लिए एक महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है फॉर एमपी पुलिस के लिए और एएसआई के लिए। तो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अटेंड फ्री मॉक टेस्ट है और एनालिसिस भी बताया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है। एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आपके लिए दिया गया है टॉप थ्री विनर्स के लिए। ये जो देखिए आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये आपकी यहाँ पर डेट दी गई है 26, 27, 28 को। एसआई, एमपी एसआई के लिए भी यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, तीन मॉक टेस्ट हैं, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस फीचर्स जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर क्या क्या आपके लिए उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर फेवरेट एजुकेटर है आपके, यहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाती है, रेगुलर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है और यहाँ पर कवरेज आपका पूरा जो भी सिलेबस रहता है पूरा कवर किया जाता है। प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर, वीकली मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, आंसर बनता है आपसे तो कमेंट में जरूर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम, केवल 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो नगरीकरण वाला राज्य बताना है कौन सा है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। तो क्वेश्चन नंबर दो है और दो का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दो और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर डी, गोवा। गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। गोवा की कुल जनसंख्या का 49.77% जनसंख्या नगरीय है, जो देश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है, तो कितनी है यह बताना है, भारत की बताना है पूरी और 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी, यानी कि 74.04%, 74.04% आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए देश में 1991 से 2001 के दौरान साक्षरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार रक्षकों की कुल संख्या में 3.19 करोड़ से अधिक की कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में औसत साक्षरता 74.04% है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर चार
और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक यानी कि उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, दशक संख्या की 10 की वृद्धि दर में बताना है, तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो राइट आंसर है वह बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि 2001 से 2011 जो है 19.05 है जो युग में सम्मिलित नहीं है। देखिए 2001 से 2011 के लिए 10 की वृद्धि 17.64% और 3.90% अंक का एक और कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित चार नगरों नगर निगमों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी, कानपुर, लखनऊ, आगरा या वाराणसी, तो चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। क्या इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि वाराणसी। वाराणसी विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दिए गए चार नगर निगमों की जनसंख्या निम्न है, कानपुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी, इस प्रकार इनकी जो है जनसंख्या पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो जौनपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, है गंगा, सरयू, गोमती, यहाँ पर गोमती है या रिहंद, तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, तो जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी याद रखना है। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो गोमती नदी के तट पर बसा है, मध्यकालीन भारत में सर की शासकों की राजधानी रहा है। गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, इसका जो उद्गम है वह पीलीभीत जिला की तहसील माधव टांडा के पास फुलहर झील यानी कि गोमत ताल से होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी, तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है आंसर, इंडिया सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है ग्रीक। देखिए ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहती हैं, पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, पालीबोथरा, और मथुरा को मेटोरा और बल्ख को बक्ट्रिया, इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस नाम दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो किस राज्य की है यह बताना है, चार विकल्प हैं आपके सामने, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, और कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो यहाँ पर आंसर होगा गुजरात, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है गुजरात। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है, गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा तट जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है, यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे बसा किनारे वाला राज्य है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है इसका राइट आंसर, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम, तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर बी यानी कि म्यांमार आपका यहाँ पर सही आंसर है, जिन्होंने बी बताया उनका राइट आंसर है। देखिए भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है जहां पर भारत, चीन, म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती हैं, और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप
समूह में द्वीपों की संख्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी संख्या है यह बताना है। सभी लोग बताएंगे 17, 27, 36, 47। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका राइट आंसर है क्या है, 36। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर लक्षद्वीप जो है, इसमें लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है 36। देखिए, और परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है, देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी जो पर्यटक हैं इनको केवल 2 द्वीपों पर जाने की अनुमति है। मुख्य भूमि से दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र, इसकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को सम्मोहित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, क्या सिलवासा राजधानी है? सिलवासा राजधानी है दमन एवं द्वीप की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, या अरुणाचल प्रदेश की? सिलवासा बताना है किसकी राजधानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वह है विकल्प नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। और देखिए, दादरा जो सिलवासा है, दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, भारत की नई उद्यान नगरी, जहां पर हर कोने में आपको बढ़िया उद्यान मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप बताना है भारत में, क्वेश्चन नंबर 13 है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बैरन द्वीप। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, बैरन द्वीप। जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर है बैरन द्वीप। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप की गोलाकार आकृति लगभग 3 किलोमीटर है और यह ज्वालामुखी का एक बड़ा सिरजक है जो कि तट से करीब आधा किलोमीटर पर है और लगभग 150 फैंसम गहरा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है, 4 विकल्प है आपके सामने। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, या कंचनजंगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर डी, कंचनजंगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए, संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमाल अन्नपूर्णा और अन्नपूर्णा और शिवशंकर, गणे, तंग, लांगतंग और मानसलू, यह जो है प्रमुख है, धौलगिरी और कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, या नंदा देवी? 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर डी, यानी कि नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर है, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है तो यह कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है तो कहाँ पर है बताइए। 4 विकल्प हैं, मेकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, बिंद रेंज में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो 16 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा रेंज में। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। पचमढ़ी में सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए एक श्रेष्ठ स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो कौन सा है, सिपकीला, जोजिला, नाथुला, या जेलेपला? तो इस प्रकार 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर 17 का, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो कौन सा है,
तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, वह है विकल्प नंबर कौन सा, एक, यानी कि सिपकीला। सिपकीला आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। सिपकीला या सिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का सोख कहलाती है? तो बंगाल का सोख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वह नदी है जो बंगाल का सोख कहलाती है? चार विकल्प है, सोन, गंडक, हुगली या दामोदर। क्वेश्चन नंबर 18, और 18 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि दामोदर। डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। देखिए, पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी जिससे इसको बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित हैं। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखना है, कुनर और बराकर। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताना है, मुलताई नगर या त्र्यंबक गांव या जानापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। अब क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए, गोदावरी है, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि क्या है, नर्मदा। नर्मदा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आंसर होना चाहिए नर्मदा। और यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है, और इसके उद्गम की पश्चिम ओर 1312 किलोमीटर चलकर अखंभात की खाड़ी और अरब सागर में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर, नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चार विकल्प हैं आपके सामने, और इसका राइट आंसर है वह है क्या है, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, नर्मदा। नर्मदा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र लिखा है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका आंसर है मेघना, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, मेघना। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध, तो कौन सी नदी है, कृष्णा, गोदावरी या चेनाब या सतलुज? तो क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 है, चार विकल्प है आपके सामने, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि चेनाब आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी है यहाँ पर, सी याद रखना है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई और प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेगून झील चिलका किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, प्रसिद्ध लेगून झील है कौन सी, चिलका यह किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, प्रसिद्ध
प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? तो यह है कहां पर, उड़ीसा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, उड़ीसा सही आंसर है। और देखिए चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अनूप है एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पूरे जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बताना है तो कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर कौन सा होगा, डी, जोग जलप्रपात, जोग या गरसोपा बोलते हैं जिसको, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। और जोग जो जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम क्या है, सैरसप्पा भी है, जैरसप्पा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना बताना है क्वेश्चन नंबर 26 और इसका राइट आंसर होगा क्या है, विकल्प नंबर डी, सतलज। सतलज आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यह बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूरी पर बना है। भाखड़ा बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी वन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी वन बिजली पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी। भागीरथी विकल्प नंबर बी सही आंसर है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है? तो चार विकल्प हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है विकल्प नंबर एक, पश्चिम घाट, हिमाचल, हिमालय और क्षेत्र तथा मेघालय, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कोलकाता, मैंगलोर या चेन्नई, दिल्ली। तो चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि चेन्नई। चेन्नई आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा जो प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जन्मदाता बताना है तो बताइए कौन है इसके जन्मदाता, वन महोत्सव के जन्मदाता बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका राइट आंसर है के एम मुंशी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मंडक लाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में और फ्री में क्या अंतर है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री में आपके लिए क्या है। फ्री में आपको यहाँ पर प्री लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और लिमिटेड आपके डाउट क्लियर सेशन है और एमपी के टॉप एजुकेटर हैं। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में बात करें इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और अनलिमिटेड रेगुलर आपका यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन होता है और टॉप एजुकेटर हैं ये जो है अनलिमिटेड आपका यहाँ पर उपलब्ध है प्लस सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है आपके लिए, तभी आपके लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट है अभी जो है चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी यहाँ पर आपके लिए क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पर वीकली क्विज भी होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन भी होते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब जान लेते हैं
हैं बैच कोर्स के बारे में। तो बैच कोर्स के बारे में हम आपके लिए बता दें अनअकैडमी के, तो आज ही अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लें। आप यहाँ पर आपका फर्स्ट बैच चल रहा है अचीवर बैच, जिसमें एमपीपीएससी प्री 2020 का जो है कोर्स यहाँ पर एमसीक्यू है और हिंदी मीडियम में ये आपका कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से। एमपी के टॉप एजुकेटर है, आप देख सकते हैं ये एमपी के टॉप एजुकेटर है, जिसमें 10% डिस्काउंट भी आपके लिए उपलब्ध। समझ जाए रेफरल कोड यूज अवश्य करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फाउंडेशन बैच कोर्स है ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है जो इंग्लिश मीडियम में है, और ये आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये जो है एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए इसमें भी 10% डिस्काउंट चल रहा है। कोड आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, तभी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स प्री और मेन्स दोनों के लिए हिंदी मीडियम में स्टार्ट 19 फरवरी से। यहाँ पर देखिए लोकेन जी हैं, गौरव जी हैं और मुकेश जी हैं, ये जो हैं टॉप एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, एजुकेटर जिनके माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाती है। इंडियन बेस्ट एजुकेटर फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बेस्ट एजुकेटर हैं इंडियन इंडिया के, और जिनके माध्यम से आपकी एमपीपीएससी एंड व्यापम की संबंधित कोई भी तैयारी जो रहती है वह इनके द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर आपके लिए जो है 1 मार्च तक डिस्काउंट चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके लिए 10% डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज आप करेंगे तो यहाँ पर 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है, अभी इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके लिए। तो ये जो है यहाँ पर सभी कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे 10% डिस्काउंट है आपका। ये डिस्काउंट जो है आपका सीमित है, तो अभी आप इसका यूज कर लें और बाद में आपका ये डिस्काउंट 5% बचेगा। अभी आपके लिए 10% अनअकैडमी दे रही है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। तो ये डिस्काउंट है और सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं अनअकैडमी के साथ। तो आज ही अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और लाइक कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।